नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप भी फैंटेसी लीग खेलते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन पे, हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हाँ। आप लोगों को ये कह देना चाहते हैं कि आप लोग खेलना चाहते हैं तो खेलिए, निश्चित तौर पर खेलिए और खेलते होंगे ज्यादातर। बिल्कुल, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है इसका। तो अपूर हमारे यहाँ खेलते हैं, जो भी क्रिकेटर रहता है वो सब खेलते हैं, और निश्चित तौर पर आपको भी पता चलता है कि आप क्रिकेट को कितना समझते हैं। फिर उसके बाद तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अगर ये फैंटेसी ऐप, जो भी गेम आप जिस भी ऐप के थ्रू खेलना चाह रहे हैं, आपकी टीम क्या होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग टीम बताएंगे, ऐसी टीम बताएंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके आप, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हासिल कर सके आप। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि सोर्सेस अपूर के बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सोर्सेस की बात नहीं है, यहाँ पर गेम को समझने की भी बात है और समझदारी भी उनमें है। तो अपूर, दुबई का मैदान है, कल शुरुआत में तेज गेंदबाजों को अच्छी बाउंस वहाँ से मिल रही थी, थोड़ा सा घास भी हमें देखने को मिला। लंबा ग्राउंड है, बिग हिट्स मारने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, आउटफील्ड बहुत अच्छा है, लेकिन सब कुछ देखते हुए, मौसम बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है, सब कुछ देखते हुए क्या आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज की जो मिक्स 11 है? देखिए, मिक्स 11 में मेरी कल की जो टीम थी, पता आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि कल जब मैं टीम बना, ये मत कहिएगा कि मयंक अग्रवाल थे या मार्कस स्टोइनिस थे मेरे कप्तान। हां, मेरे कप्तान, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा कोल। नहीं नहीं, मार्कस स्टोइनिस मेरे कप्तान थे और जो सोच के मैंने किया था वो बिल्कुल सटीक बैठा था कि वो गेंदबाजी भी करते हैं और डेप्थ में आकर बैटिंग। मयंक अग्रवाल को भी मैंने टीम में रखा था, लेकिन हां बस एक गलती हो गई थी, वाइस कैप्टन मैंने मयंक अग्रवाल को नहीं बनाया था। अच्छा, लेकिन टीम मेरी, वो टीम में थे और जितने मेरे प्लेइंग 11 में थे, आपकी टीम? हाँ बिल्कुल। देखिए अपूर, देखिए कल ही जीते हैं तो अब आप ध्यान से सुनिएगा कि अपूर की मिक्स 11 क्या होने वाली है। अपूर, देखिए विकेट कीपर कौन है आपका? विकेट कीपर अगर बात करें, जॉनी बेरिस्टो। जॉनी बेरिस्टो विकेट कीपर है, यानी मैं पूरी प्लेइंग 11 बता रहा हूं। एबी डिविलियर्स भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं अपूर? ऐसी खबरें आ रही हैं, एबी डिविलियर्स से बहुत स्ट्रॉन्ग खबरें हैं, क्योंकि पार्थिव पटेल नहीं है। देखो उस टीम में विकेट कीपर कोई नहीं है जो आपने टीम बताई, तो इसमें दो विकेट की अगर ऑप्शन आपको मिले तो आप दो विकेट कीपर्स ले सकते हैं। दो विकेट कीपर आप ले सकते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन आमतौर पर प्ले सेव करना यही होता है कि आप किसी एक विकेट कीपर के साथ जाएं। मेरा विकेट कीपर एबी डिविलियर्स होगा। आपके विकेट कीपर एबी डिविलियर्स होंगे, ठीक है। मैं ऑल इन ऑल पूरी जो मेरी ओपन कौन कर रहे हैं 11 टीम है, उसमें बल्लेबाजी में मैं विराट कोहली के साथ जाऊंगा, ठीक है, ठीक है, डेविड वार्नर के साथ जाऊंगा, जॉनी कप्तान होने वाला है या पहले तीन जो आपने बताया? बिल्कुल, मैं या तो फिर वार्नर या तो फिर कोहली, मैं उसके हिसाब से देखूंगा पहले बैटिंग कौन कर रहा है, मैं उस हिसाब से जो सेकंड इनिंग्स वाला है मैं उसको कप्तान बनाऊंगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन टॉस के बाद तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, ऐसा कुछ नियम होता है? टीम आती है, आपको पता चल जाता है कौन कौन खेल रहा है, पहले बैटिंग कौन कर रहा है, बाद में बैटिंग कौन कर रहा है। तो मैं अपूर का मानना ये है कि वो कप्तान इस लिहाज से चुनेंगे कि पहले बल्लेबाजी कौन कर रहा है और बाद में कौन कर रहा है, इस लिहाज से उनका कप्तान चुना जाएगा। और खास तौर से अगर विराट कोहली बाद में बैटिंग करेंगे तो मैं विराट कोहली को बनाऊंगा, चेस में उनका जैसा मास्टर मैंने आज तक देखा ही नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि कोहली के सामने ज्यादा चेंज हो भी नहीं रही है। यहाँ कोहली के सामने टारगेट रहेगा तो आराम से अपनी टीम के लिए। आरसीबी दूसरे नंबर पर बैट कर रही है तो अपूर्व के कप्तान विराट कोहली होने वाले। बिल्कुल, विराट कोहली होंगे और साथ ही साथ बल्लेबाज में जॉनी बेरिस्टो, डेविड वार्नर, मनीष पांडे को भी मैं रखूंगा, मिडल ऑर्डर में आते हैं, अच्छे रन बनाते हैं। मैं पर्डिकल को भी मौका दूंगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स का भी देखिए खेल होता है, आप सभी बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं ले सकते हैं, आपको थोड़े से ज्यादा रन बनाते हैं और बड़ा निकल कर आ जाए तो अच्छा मुनाफा होता है, ठीक है। इसके बाद मैं राशिद खान को बॉलिंग में लूंगा, और ऑलराउंडर्स पे बात कर लेते हैं, ऑलराउंडर्स में मैं मोहम्मद नबी को लूंगा और साथ ही साथ क्रिस वोक्स मेरी टीम में अभी नहीं है, हो सकते हैं वो, उनको लिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा पॉइंट वाला हिसाब किताब है, मैंने जो देखा है तो मेरे लिए मुझे मजबूरन वॉशिंगटन सुंदर को लेना पड़ता है दूसरे ऑलराउंडर के तौर पे, क्योंकि वो स्पिन भी कर लेते हैं और नीचे आके रन भी बना लेते हैं। अगर मेरे पास पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा होते, मोइन अली को रखा है आपने? मोइन अली को मैं रखना चाहता था, लेकिन यही पॉइंट वाला जो हिसाब किताब है उसके हिसाब से मैं नहीं रख पाया हूँ। ये आपके ऊपर देखिए डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हैं, आपके लिए बल्लेबाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े गेंदबाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ये छोटे छोटे खिलाड़ियों के साथ भी आप पूरा, क्योंकि आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं लगभग, उसी में आपको सबको रखना पड़ता है। तो मैंने फिर उसके बाद गेंदबाजी में लिया है नवदीप सैनी को, युजवेंद्र चहल को, संदीप शर्मा को, ये मेरे तीन गेंदबाज रहेंगे और राशिद खान। तो निश्चित तौर पर अपूर्व ने कुछ ऐसे प्लेयर्स पर बैक किया है जो चलते ही चलते हैं हर मैच में, जैसे विराट कोहली, जॉनी बेरिस्टो, डेविड वार्नर, राशिद खान।
कुछ नए खिलाड़ियों पर भी उन्होंने दाव खेला है, जिसमें देवदत्त पड्डीकल का भी नाम है, वॉशिंगटन सुंदर का भी नाम है। नए खिलाड़ी मतलब छोटे खिलाड़ी जिनके लिए आपको पॉइंट्स कम खर्च करने पड़ते हैं और वो आपको एक मैच विनिंग पॉइंट्स दे सकते हैं। तो ये थी हमारी मिक्स ड्रीम प्लेइंग 11 जिसको आप कह सकते हैं, जिसको आप निश्चित तौर पर इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जैसा पूर्व ने कहा कि बैटिंग सेकंड कौन करेगा उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा और आपकी प्राथमिकता क्या है, गेंदबाज या बल्लेबाज, वो भी तय करेगा इसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें आप देख कर ही लीजिए। निश्चित तौर पर हम रोज इस तरह की जो मिक्स प्लेइंग 11 है उसको लेकर आपके साथ आएंगे ताकि आप फैंटेसी ऐप में जीत सके। अगर आप जीतेंगे तो हमें जरूर बताइएगा, अपूर्व को आप बधाई दे सकते हैं उसके लिए, और अगर आप नहीं जीते तो फिर बाकी आपको बताएगी आप अपूर्व को क्या कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।